हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको फिश करी रेड स्नैपर फिश करी बनाना सिखाता हूँ। ये है इंडियन और श्रीलंकन स्टाइल में होगी। तो हम ताज़ा फिश लेके आए हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देख लीजिए फिश है, इसमें हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, तो हल्दी इस पर लग रही है, तब तक ये पड़ी है साथ में, भी कोई दिक्कत नहीं ये मेल्ट करने की। इसके साथ में हमने मसाला भी तैयार कर लिया है। तो ये तो ड्राई ऑनियन है जो अपन तेल के साथ में काम में लेंगे, ऑयल के साथ में। ये दूसरा बाद में काम में लेने के लिए अलग से रख दिया मैंने, तो ऑयल के लिए सेपरेट कर लिया। ये करी पत्ता है, ये गार्लिक है, गार्लिक को पीसा नहीं है, काट लिया पतले पतले पीसों में, इनको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये टमाटर हैं कटे हुए, ये थोड़ी दो तीन हमने चिल्ली ले ली ग्रीन। ये कोरिएंडर है, हरा धनिया, और ये इमली है, फ्रोजन करी हुई है तो थोड़ा ऐसे लग रहा है। अपने इंडिया में आप लोग अपने इंडियन इमली डाल सकते हैं। जीरा है, सरसों रखा हुआ है, सरसों के बीज हैं मेरे पास, और बाकी मसाला तो जो नॉर्मल है वो लगना ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये गर्म होने लगा है, तो लगभग 3 स्पून या आप अंदाज से देख लें, लगभग 200 ग्राम ऑयल डालने में। उस लोग कम खाते हैं तो थोड़ा कम रख ले, जो ज्यादा खाते हैं थोड़ा ज्यादा कर ले, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऑयल में चलता है। तो इसको गर्म होने दे एक बार, अभी देखता हूँ गर्म हुआ नहीं हुआ, नहीं अभी थोड़ा टाइम है। यस, तो ये सूखा हुआ है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो छींटे उछलेंगे। आप सूखा हुआ ऑनियन डाल देना, मैंने चम्मच इसको थोड़ा ब्राउन होने देना, गलना नहीं चाहिए, है ना। इसके साथ ये गार्लिक डाल देते हैं, और गार्लिक के साथ करी पत्ता भी इसी में डाल देते हैं। इसको हिलाते रहना है और ध्यान रखना है जलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पकने देना है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है प्याज। तब तक मैं इसको हल्दी को भी थोड़ा सा लगा लेता हूँ, उसमें मैरिनेट हो जाएगी। हल्दी भी अच्छी रहती है दोस्तों, थोड़ी बहुत ज्यादा ही खाया करो, एंटीबायोटिक है, चोट वगैरह ठीक करती है, घाव ठीक करती है। तो अब थोड़ा सा इसमें सरसों डाल देते हैं, मस्टर्ड सरसों। देखिए बिल्कुल 1/4 से भी कम लिया है मैंने, तो ये सुगंध के लिए है, डाल दिया है। इसके बाद में थोड़ा जीरा ले लेते हैं, जीरा हो गया, फिर इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है दोस्तों। तो इसको हिलाते रहना है, चिपकना नहीं चाहिए, बस यही है, आंच इसकी कम रखें। ऐसा नहीं कि आपने आंच फुल कर दी और ये जल जाए, पूरे पूरा टेस्ट ही इसी पर टिका होता है। अब ये टमाटर डाल देते हैं इसमें,
ये भी डाल देते हैं, ये और ये और ये। ये धनिया रखा हुआ है, धनिया बाद में डालेंगे ठीक है ना, और ये इमली भी बाद में। तो इसको हलाते हैं अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों, बाहर तक जा रही होगी। आस पास में दोस्त लोग हैं, अभी फोन करने लगेंगे क्या बन रहा है। एक मेरा दोस्त है यहाँ पे मैथ्यू, अपना केरला से हैं, मिस्टर मैथ्यू विनोद डायरेक्टर रेवन्यू, उसका नाक होते है जी, उसको तो जरूर खुशबू आई होगी। दोस्तों मसाला डाल देते हैं, वन स्पून, टू स्पून, दो चम्मच बड़ी वाली है अच्छी खासी, ये डाल दिए। अभी अपन गरम मसाला डाल देते हैं, ये सॉरी धनिया डाल देते हैं, तीन चम्मच कर देते हैं, वो मिर्ची दो चम्मच डाली थी इसको तीन कर देते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे और चलता है, टेंशन नहीं करने का। एंड नमक, नमक में कमी डाल रहा हूँ थोड़ा सा, हो सकता है ज्यादा चाहिए तो इसमें अपने पास ऑप्शन है बाद में वो डाल सकते हैं, कुछ लोग कम खाने वाले होते हैं। और ये थोड़ा सा गर्म मसाला है तो खुशबू के लिए ये डाल देता हूँ, थोड़ा सा ही डाल रहा हूँ, ये हो गया। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसमें ये जो फीस हमने रखी हुई है हल्दी के साथ, ये डाल देते हैं, ये हल्दी का पानी है, ये भी अंदर ही डाल देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी मिलाने में, इसको रख देते हैं साइड में। अब इसको अच्छे से हिला देते हैं ताकि ये मसाला लग जाए सबके। और इसी के साथ दोस्तों ये जो हमने इमली रखी हुई थी वो इमली भी इसी के साथ डाल देंगे, दोनों पीस। इमली से थोड़ी खटाई अच्छी आ जाएगी और खुशबू भी थोड़ी अलग से होगी। हम लोग ऑयल में इसलिए पका रहे हैं कि ये जो मसाला, ये सिंपल है, ये पीस भी डाल सकते हैं, मसाला बाद में डाल सकते हैं, लेकिन हम तेज ऑयल में जब ये मसाला पकेगा तो इसकी खुशबू ही अलग आएगी। जो पहले अपने पके हुए मसाले की अच्छी सी स्मेल आ रही थी वो कायम रहेगी इसमें लास्ट तक, तो इसलिए मसाले को इसमें तेल में ही पका रहे हैं। थोड़ा सा हल्का सा ये पकने लगेगा तो हम फिर, या जलने लगे तो फिर हमको पानी डाल देना चाहिए, तो करी बनाने के लिए हमने करी बनानी है उस हिसाब से। थोड़ा सा पकने देते हैं इसको, एक गिलास डाल दिया मैंने, थोड़ा सा ले लेते हैं, जरूरत के हिसाब से डाल लेंगे, इसमें भी वही है, एक गिलास इनफ लगे आपको तो बहुत है, बाद में अगर जलने लगे चिपकने लगे तो थोड़ा बहुत और भी डाल सकते हैं, गर्म पानी डालो तो बेटर रहेगा। मैंने तो ठंडा डाल दिया है लेकिन साइड में गर्म पानी करके रखो तो उससे थोड़ा टेस्ट में इजाफा ही होगा, बेटर रहेगा। अब थोड़ा सा और डाल लेते हैं, कुछ दोस्त लोग भी आएंगे तो करी कर लेते हैं, अच्छा लगेगा।
अब इसको हम कवर कर देते हैं और पकने देते हैं लगभग 10-15 मिनट और लगेंगे कि बीच में हम चेक करते रहेंगे। फिर पकने लगेगा तो आके मैं फिर ये कोरिएंडर डाल देंगे, हरा धनिया, और फिर आपको आगे बताता हूँ। तब तक वेट करते हैं 15-20 मिनट। हाँ दोस्तों, तो अपन को लगभग 40 मिनट हो गए हैं रेड स्नैपर पर बनते बनते। बीच बीच में वैसे चेक भी किया मैंने, तो अभी लगभग ये तैयार सी हो गई है। इसको साइड में देखता हूँ, बड़ी मस्त बनी है। कोरिएंडर डाल देते हैं अभी इसमें, पक चुकी है। नॉर्मल पीस तो 15-20 मिनट में तैयार हो जाती है, लेकिन रेड स्नैपर में थोड़ा टाइम लगता है और बड़ी टेस्टी भी होती है दोस्तों। सेम है जैसे आप पोल्ट्री वाला चिकन बनाते हो, बड़ा जल्दी से बन जाता है, लेकिन तो फ्री रेंज वाला देसी चिकन बनाते हो तो डबल टाइम लगता है। वही सिस्टम है, बड़ा टेस्टी भी है और इसलिए टाइम भी लगता है। इसमें ओरिजिनल ऑर्गेनिक चीज है। अब थोड़ा सा इसमें बंद कर देता हूँ ताकि इसमें खुशबू हो जाए, और अब ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ। इसको इस पर हटा दिया और गैस मैंने ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ, तो ताकि इसमें खुशबू हो जाएगी। तो ये अपने रेड स्नैपर तैयार है दोस्तों, फिश करी। अभी देखिए मेरे कुछ दोस्त लोग आ रहे हैं, तो जब हम डिश में डिश लगा के डेकोरेट करेंगे तो आपको फिर से उसकी फोटोज भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ तो दोस्तों, अपनी फिश करी बन के तैयार है। देखिए आप जूम कीजिए प्लीज, तो देखिए बड़ी अच्छी सी बनी है, बड़ा अच्छा टेस्ट भी आ रहा है। इसके अलावा मैंने वेजिटेबल करी भी बनाई है, लेकिन ये आपको मैं इसकी रेसिपी अगली बार बताऊंगा। आज का अपना वीडियो सिर्फ फिश करी पे है, तो देखते हैं दोस्तों को कैसी लगती है। मेरा दोस्त मेरा भाई मैथ्यू आ गया है और कुछ और भी दोस्त हैं। देखिए आप कैसे क्या लोग बोलते हैं। देखो प्लीज टेस्ट दिस वन एंड गिव द ऑनेस्ट फीडबैक। टेस्ट कर लीजिए। बहुत अच्छा है, इट्स डेलिशियस, सो नाइस, रियली वेरी यम। बहुत बढ़िया बनाया, अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो बने रहिए आप सब लोग, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए, आपको ऐसी मैं नई नई रेमेडीज बताता रहूँगा, नई नई रेसिपीज बताता रहूँगा आपको। सिर्फ इंडियन ही नहीं, अपने मालदीव से हैं, श्रीलंका से हैं, नेपाल से हैं, तरह तरह की आपको डिशेज में बनाना बताऊँगा। तो कंटिन्यू रहिए, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।